है जिसे कृत संकल्पित भाव से, संकल्प की उत्कृष्टता के भाव से सीआर से लख की संपूर्ण टीम निरंतर 24/7 काम करते हुए समस्त भाषों से विभिन्न प्रकार के वीडियो ट्यूटोरियल्स, विभिन्न प्रकार के टॉक शोज, यूट्यूब वीडियोस, छोटे छोटे वीडियो कक्षाएं, लाइव वीडियो कक्षाएं, साथ ही साथ प्रशिक्षणात्मक वीडियो कक्षाएं और ज्ञानार्जन को आपके बीच निरंतर रख रहा। जैसा हमारा उद्देश्य है जागरूकता, उसके अंतर्गत हम अपने उद्देश्यों के लिए निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रयासरत हैं और सामुदायिक जागरूकता को सृष्टवत भाव में रखते हुए प्रतिदिन रचनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उपलब्ध चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण सेवा प्रदान करना। इसके अंतर्गत आज का यह बहुमहत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें न केवल जागरूकता, न केवल बौद्धिक श्रेष्ठता, अपितु साथ ही साथ कौशल को कैसे हम स्थापित करेंगे, कौशल को कैसे हम श्रेष्ठवत रखेंगे, इस बात को भी आज प्रमुख रूप से हम देखेंगे। विषय सारगर्भित है, विषय श्रेष्ठवत है और एक ऐसा विषय जो एक बड़ी आबादी, हमारे बीच रहने वाली श्रवण दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं की एक बड़ी आबादी के लिए किस तरीके से में वाक और भाषा का आकलन किया जाएगा, इसको हाँ इसको सुन करने हेतु आज का यह कार्यक्रम आपके समस्त उपस्थित किया गया है। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ हैं। आप आज हमारे बीच अपनी विशेषज्ञता रखेंगे, कैसे हम बच्चों में वाक और भाषा आकलन को श्रेष्ठता दें, कैसे हम उनका भाषा आकलन करें, वाक आकलन करें, कैसे हम आकलन की श्रेणी को और उत्तर, इस पर आज आदरणीय राजीव रंजन सर हमारे आपके सभी के बीच उपस्थित होंगे। राजीव रंजन सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि श्री विकास पांडे सर, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा कौशाम्बी, वे सीडीओ साहब की मीटिंग में अभी व्यस्त हैं, क्षण पश्चात वो हमारे बीच होंगे। कार्यक्रम 12 बजे से है और हम कार्यक्रम को ससमय प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आईटी टीम से, क्या निदेशक सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं? निदेशक सर श्री रमेश पांडे सर क्या हमारे बीच जुड़ चुके हैं? आईटी टीम अगर हमें बताए, सूचित करे तो बड़ा अच्छा होगा। सर हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जैसे ही सर हमारे बीच जुड़ जाते हैं कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और आज के इस बहुविशिष्ट विषय बिंदु पर हम विशेषज्ञता से परिचित होंगे। आज का यह कार्यक्रम समय के क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआर से लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा समग्र शिक्षा अभियान कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम है। विषय है आज के कार्यक्रम का बच्चों में वाक और भाषा आकलन। कार्यक्रम का समय जैसा आपको सुनिश्चित है 12 से 1 का समय रखा गया है और कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है। हमें इंतजार है हमारे निदेशक सर का। जैसे ही हमारे निदेशक सर हमारे बीच जुड़ते हैं, आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, हम इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर देंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक टीम में हैं श्री विकास मिश्र सर, अनुस्थिति एवं चलश्रोता निदेशक सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम व्याख्याता सीआरसी लखनऊ और आदरणीय श्री पंकज आर्या मैम व्याख्याता सीआरसी लखनऊ। आज के इस कार्यक्रम में अपना
मार्गदर्शन हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDUNI PVD नई दिल्ली, मार्गदर्शक मंडल में और हमें निर्देशन प्रदान करने में श्रेष्ठतम मंडल में हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ हमारे बीच अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं और जिनकी प्रेरणा से हम लोग इन कार्यक्रमों को निश्चित आपके समय ससमय उपस्थित करने में सक्षम हो रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी प्रतिभागी अपना माइक म्यूट रखें। अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, प्रॉपर पोस्चर में हैं, तो आप वीडियो ऑन रखें, अन्यथा आप अपने वीडियो को ऑफ रखें। आपका डाटा भी बचेगा और विधिवत कार्यक्रम को हम और आप दोनों सुन पाएंगे। जब भी कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ अपनी PPT प्रेजेंट करेंगे तो जितने भी हमारे प्रतिभागी सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया कोई प्रेजेंट की बटन न दबाएं, अन्यथा कार्यक्रम में व्यवधान उपस्थित होता है और हमारे विशिष्ट जन जो हमारे बीच हमारे व्याख्याता अपनी PPT प्रेजेंट करते हैं उन्हें प्रेजेंटेशन करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा और आप सभी हमारे सुधीय श्रोता हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी प्रतिभागी प्रेजेंट की बटन नहीं दबाएंगे तथा कोई भी प्रतिभागी अगर प्रॉपर कोड में नहीं है, आप आराम की मुद्रा में हैं, घर पे लेट करके कार्यक्रम को सुनना चाह रहे हैं, विधिवत आप आराम से को जानना समझना और इससे परिचित होना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने वीडियो को ऑफ रखें, तत्पश्चात आप आसानी से इस कार्यक्रम में जुड़ करके आज के इस बौद्धिक आयोजन का पूरा पूरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। निदेशक CRC लखनऊ श्री रमेश पांडे सर का हमें इंतजार है, जैसे ही सर हमारे बीच जुड़ेंगे हम इस कार्यक्रम को अग्रमुख करेंगे। विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में निदेशक सर व्यस्त रहते हैं जिनके जल्द ही वो हमारे बीच आ जाएंगे और जैसे ही हमारे बीच निदेशक सर जुड़ते हैं हम इस कार्यक्रम को अग्रमुख करेंगे। मैं सभी प्रतिभागियों से पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया अपना माइक म्यूट रखें, प्रेजेंटेशन की बटन न दबाएं। प्रेजेंटेशन की बटन दबाने में आपको हम दोनों को समस्या होती है, कृपया सभी इस बात का ध्यान रखें। आज हमारे बीच हमारे बहुत से नए प्रतिभागी जन जुड़े हैं और ऐसे प्रतिभागी जन जो अभिभावक हैं हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के, आज सभी लोग देख पा रहे होंगे आज हमारे प्रतिभागी जनों में लगभग 50% से ज्यादा ऐसे प्रतिभागी हैं जो प्रथम बार हमसे जुड़ रहे हैं। इस हेतु मैं पुनः निवेदन चाहूंगा कि आप सभी स्वच्छता का ध्यान रखें, विधिवत कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आपसे निवेदन रहेगा कि प्रेजेंट की बटन न दबाएं, वीडियो को आप अपनी तरफ से ऑफ रखें, आपका डाटा भी बचेगा और कार्यक्रम में अनावश्यक व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। समय के क्षेत्र केंद्र दिव्यांगजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा पता है मोहन रोड, निकट मोहन रोड पुलिस चौकी, लखनऊ 226017। हमसे संपर्क करने हेतु हमारा मोबाइल नंबर है 7839456178, 7839456178। इस नंबर पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक फोन करके हमारी सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमारे सभी डिपार्टमेंट के संपर्क नंबर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए गए हैं जिससे आप हमारी सेवाओं को विधिवत प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हमारा उद्देश्य है, अर्थात CRC लखनऊ का उद्देश्य है, सामुदायिक जागरूकता लाना, उपलब्ध चिकित्सकीय शैक्षणिक और कौशल विकास प्रशिक्षण का सेवा प्रदान करना, पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिला प्रशासन, सरकारी संस्थान तथा गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके पुनर्वास करना,
मानव संसाधन विकास करना, शैक्षणिक तथा कौशल विकास प्रशिक्षण अनुसंधान कराना। फिजियोथेरेपी में हम सेवाएं देते हैं, घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण इत्यादि के पूर्व तथा तत्पश्चात का व्यायाम, खेल के दौरान चोट का इलाज, टेनिस, गोल्फर एल्बो, केहने के दर्द का इलाज, फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम का इलाज, कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द एवं अन्य जोड़ों का दर्द, लकवा नसों का इलाज, हाथ पैर का कांपना, मुंह का टेढ़ापन, फ्रैक्चर के बाद का इलाज इत्यादि। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म बच्चों का इलाज, मंदबुद्धि बच्चों का इलाज, लकवा एवं फ्रैक्चर का इलाज इत्यादि। वाक एवं श्रवण चिकित्सा के अंतर्गत हम अपनी सेवाएं देते हैं, कान की सुनने की जांच, कान के सुनने की मशीन, श्रवण प्रशिक्षण, एवीटी आईडीटी प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी, हकलाना, तुतलाना, देर से बोलना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, कटे होठ या कटे ताल, लकवा के कारण नहीं बोल पाना इत्यादि के संदर्भ में हम सुझाव प्रस्तुत करते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, घबराहट इत्यादि, बिहेवियर थेरेपी, बच्चों में संबंधित समस्या जैसे लिखने पढ़ने में समस्या, घुलने मिलने में अथवा दोस्त बनाने में समस्या, भागदौड़ करना, कहना न मानना, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि, बार बार हाथ धोना, निर्णय लेने में असमंजस, डर जाना, स्थिरता अथवा उद्वेग इत्यादि, व्यक्तिगत परीक्षण, काउंसलिंग इत्यादि जैसी सेवाएं हम आपके बीच रखते हैं। हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राजीव रंजन सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। निदेशक सर किसी मीटिंग में व्यस्त हैं जो हमारे बीच जल्द ही जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम के समय को देखते हुए मैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर से निवेदन करूंगा कि आप आए और आज के विषय बच्चों में वाक और भाषा आकलन, इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय राजीव रंजन सर नमस्कार सर एंड थैंक यू वेरी मच। दो मिनट लूंगा मैं फिर से। का प्रेजेंटेशन आ रहा है, तब तक मैं आप सभी को बता दूं विशेष शिक्षा। जी सर आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है सर। जी सर थैंक यू नागेश जी सादर एंड आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू दिस ऑनलाइन वेबिनार। आज का जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ स्पीच एंड प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट क्या है कि इसको मैं चाहूंगा कि आप लोगों के समक्ष इसको ठीक से समझा सकूं, बता सकूं, ताकि हमारे बीच जो भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो SLP हो, वर्किंग हो, या पेरेंट्स हो, या स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हों, उनको थोड़ा समझ में आए कि होता क्या है, ये कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसमें। सर, निदेशक सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। मैं निवेदन करूंगा सर आए और अपना आशीर्वचन। मैं बाद में भी बोल देता, आप राजीव जी शुरू कर चुके हैं तो शुरू करिए, अगर राजीव जी को दिक्कत ना हो तो मैं दो मिनट बोल दूंगा। अरे सर नो प्रॉब्लम सर, प्लीज। आपने शुरू कर दिया था इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न था, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। और आज का ये जो प्रोग्राम है जो दोनों के साथ हम मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज के हमारे विकास पांडे जिला समन्वय शिक्षा अभियान कौशाम्बी, उनका स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आज हमारे मुख्य वक्ता राजीव रंजन जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे CRC लखनऊ में, उनका भी बहुत आभार है। विकास जी, नागेश पांडे और पंकज आर्या जी, आप सभी के प्रति भी मेरा आभार है कि आप कौशाम्बी के साथ, जनपद कौशाम्बी के साथ विषय
प्रोग्राम। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज का असेसमेंट है, वाक और भाषा का आकलन है, उसके बारे में हम लोगों ने एक अपना एक मेंटल स्टेट बना लिया है कि हम सब ये कार्य जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का है और ऑडियोलॉजिस्ट। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, आ रही है सर। हाँ, वहां पे इस तरह की सेवाओं, इस तरह के विषय के बारे में हम सबको जानना चाहिए। इस जानकारी से ये जरूरी नहीं कि हम स्पीच थेरेपी दे पाएंगे, हम उनका प्रॉपर असेसमेंट कर पाएंगे, हम उनको ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज दे पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर जरूरी है कि हम ऐसे समस्या अगर किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में देखते हैं तो उनको अप्रोप्रिएट जगह तक रेफर कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सबको हर दिव्यांगता के बारे में जानना, उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, उसके प्राइमरी असेसमेंट के तरीके के बारे में जानना, उसके नेचर एंड नीड के बारे में जानना, ये बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके के हमारा इंसिडेंस और प्रिविलेंस स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को लेके है हमारे उत्तर प्रदेश में, हम सभी शिक्षकों को, हम सभी प्रोफेशनल्स को इसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स और असेसमेंट के जो स्ट्रेटजीज हैं, जिसके बारे में राजीव जी भी आप लोगों को बहुत विस्तार में बताएंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कौशाम्बी जनपद के समग्र शिक्षा अभियान, हमारे जिला समन्वयक पांडे साहब, आपकी पूरी टीम के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स के प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे मुख्य वक्ता राजीव जी उनके प्रति भी आभार है, और इस कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आदर धन्यवाद सर, सादर धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा श्री राजीव रंजन सर से, मैं क्षमा चाहूँगा बीच में मैंने सर, राजीव रंजन सर माइक आपका म्यूट है सर। माइक सर, नमस्कार। ये कोई है जगदीश राणे जी? जगदीश राणे जी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं। सर मैं बताना चाहूंगा आज हमारे बीच बहुत से अभिभावक जुड़े हैं, तो थोड़ा पहली बार जुड़े हैं, इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो सॉरी सर। हेलो सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। आरंभ हो रहा है सर, सुमित जी आरंभ हो रहा है। यस सर, यस, थैंक यू। वंस अगेन नमस्कार एंड थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर फॉर हिज काइंड अप्रूवल टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, एंड आल्सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट टुडे श्री विकास पांडे जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर एसएसए कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, एंड सभी जुड़े हुए सहभागी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, जो हमसे हम चाहेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छे सरल भाषा में बता सके कि जो आकलन है वाक एंड भाषा का बच्चों में कैसे किस तरह से किया जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत वास्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट जो बेसिकली हम बात करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बच्चों में, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम सब लोग देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपको पता है, इट्स असेसमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, दैट इज बच्चों में वाक और भाषा का आकलन। आज ये आउटलाइन है, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देंगे क्या है कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्पीच, देन कंपोनेंट्स वाक एंड भाषा का क्या है, फिर हम कैसे संप्रेषण करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा जो विकास है वो क्या है, और उससे जुड़ी हुई समस्या के साथ में आकलन। तो ये हमारा आज का आउटलाइन है। ओके, कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन में देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने स्पीच नहीं लिया, लैंग्वेज नहीं लिया, कम्युनिकेशन लिया। तो हम लोग जो बात करते हैं, जो मैं इससे बात कर रहा हूँ अभी, तो हमको आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है, वन वे है। अभी अब आप में से जब हमें कोई मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल, और हम फिर उसका जवाब देते हैं,
सो दैट बिकम अ कम्युनिकेशन एक्चुअली. अभी ये क्या है, अभी मैं एक स्पीच दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग लिसनर है. तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ टू वे कम्युनिकेशन वेर वन एक श्रोता होता है और दूसरा बोलने वाला होता है. ठीक है, तो ये दोनों का जो कम्बिनेशन है, और जब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला सुनता है, उसके बाद जो वो अपने दिमाग में उसको परसीव करता है, जो उसको लेता है, उसको समझता है, और फिर वो अपना भाव प्रकट करता है, तो दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन संप्रेषण है. ठीक है, इसके बाद इसको तोड़ेंगे. तो जब बच्चों में हम देखते हैं, तो बच्चों में हम लोग छोटा वॉक नहीं देखते पहले, बच्चों में एज होल हम लोग कम्युनिकेशन देखते हैं, संप्रेषण देखते हैं. फिर आता है भाषा. भाषा क्या है, भाषा इज नथिंग बट हम लोग जन्म से ही, मतलब बचपन से जैसे जैसे बड़ा होते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि ये सर्टेन आइटम्स, यदि ये कलम है तो ये कलम ही है, इसको हम दूसरा कुछ नहीं बोल सकते. तो इट्स नथिंग बट अ सिंबल. ये एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में यूज किया जाता है, और उसको हम भाषा बोलते हैं. कमिंग टू वॉक स्पीच, ये एक आवाज है, खाली साउंड है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, आवाज है, जो कि हम जैसे अ हो गया, क हो गया, प हो गया. ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिससे कि हम आवाज निकालते हैं, तो दैट इज अ वॉक. तो वॉक में क्या होता है, ये बहुत, मान लीजिए रेस्पिरेशन सिस्टम, जो हम श्वास लेते हैं, फिर गले में फोनेशन होता है, फिर ऊपर आर्टिकुलेशन होता है, ऊपर से दिमाग से, तो ये चारों मिक्स है. इसलिए पूरा ना कम्प्लेक्स है, जटिल है ये, इसमें सब इन्वॉल्व होता है. उल्टे क्रम में चले तो पहले स्पीच, फिर लैंग्वेज, फिर कम्युनिकेशन. बट समझने के लिए ये बेटर होगा कि संप्रेषण क्या है, फिर भाषा क्या है, फिर स्पीच क्या है, वॉक क्या है. तो इसमें आप देख रहे होंगे, ये एक तार में बंधा हुआ एक बोल रहा है, सुन रहा है, पहले इस तरह से ही फोन यूज होता था, तो इसलिए हमने ये पिक्चर यहाँ डाला है. ओके, कमिंग टू द कंपोनेंट ऑफ स्पीच, जैसा कि मैं बता रहा था कि वॉक जो है, हमारा जो शब्द निकालते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर में आप देखिए, नीचे वाला भाग जो है, ये दैट इज नथिंग बट रेस्पिरेशन, जो श्वास लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास लेने में मदद करता है. फिर है आपका लेरिंजियल सिस्टम, जो कि फोनेशन में हेल्प करता है. देन सुप्रा लेरिंजियल सिस्टम, जो कि हमारा आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस, मतलब मुंह का भाग और नाक का भाग दोनों होता है. तो ये चार सिस्टम है जो कि स्पीच में, वॉक में, करने में मदद करता है. रेस्पिरेशन श्वास इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तक हमारे पास श्वास नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, आप कितना कुछ भी बोल लीजिए, आवाज निकलेगी ही नहीं. वो नॉट उतना ही, जब हम इस लेवल की बात करें, फोनेशन की बात करें, गले लेवल पे, तो गले लेवल पे मान लीजिए नीचे का जितना हमारा प्रेशर है हमारे लंग्स में, जितने भी प्रेशर है, उसको यदि हम ठीक ढंग से जनरलाइज चैनलाइज नहीं करें, ठीक तरह से परवाह नहीं करें, तो जो फ्लो है वो रुक जाएगा, फिर आवाज या तो बहुत तेज आएगा, या बहुत कम आएगा, या नहीं के बराबर आएगा. तो वो इसलिए फोनेशन इंपॉर्टेंट है. आर्टिकुलेशन, जैसे ही वो फोनेशन जो हम बोले, जो हवा, जो प्रेशर है लंग से होते हुए वोकल फोल्ड से आने के बाद जो हमारे मुंह में आ रहा है, तो मुंह के अंदर बहुत सारे आर्टिकुलेटर्स है जो घूमते हैं, लाइक जीभ है, होंठ है, ऊपर वाला सॉफ्ट तालू है, मुलायम तालू, ये सब घूमते हैं, और इसी से टकराने के बाद आवाज निकलता है. तो इसलिए आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकुलेशन के बीच में ही सर्टेन आवाज जो है वो नाक से आती है, लाइक न, अंग. तो ये सारे रेजोनेंस है. यदि कोई मान लीजिए ज्यादा बच्चा नाक से बोलता है, तो उसको रेजोनेंस की इश्यू होती है, मतलब नाक से प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोडक्शन ऑफ स्पीच कैसे होता है. जो हम वॉक करते हैं, अ बोलते हैं, क बोलते हैं, प बोलते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, देन लैंग्वेज, ये कंपोनेंट क्या है लैंग्वेज का. तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, जैसे अभी हमने बोला क, करेक्ट, तो उसके पहला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी. सर्टेन टर्मिनोलॉजी को मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, टेक्निकल वर्ड्स है, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, बट ट्राई करूंगा समझा दूंगा आपको हिंदी. फोनोलॉजी, इसमें क्या, एक सिंगल साउंड होता है. ठीक है, वो जो भाषा का पहला रूप होता है. ठीक है, जब हम शब्दों को जोड़ने लगते हैं, तो वो फोनीम से, फोनोलॉजी मतलब एक शब्द से दूसरे, एक साउंड से दूसरे साउंड में जुड़ता है, तो वो पहला पार्ट है. फिर आता है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, कि उसको हम कैसे बढ़ा दें. ठीक है, मान लीजिए बीए बाबा हो गया, तो दैट इज मॉर्फोलॉजी. अब जैसे ही बाबा में हम यदि कुछ शब्द में उसमें मीनिंग डाल दें,
मतलब जान दे डाल दे तो वो हो जाता है सिमेंटिक्स। अब बाबा हो गया, अब उसको हम सेंटेंस में बाबा आया या बाबा पानी पीजिए, तो ये सेंटेंस फॉर्म हो गया, सो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। फिर है प्रैग्मैटिक्स, दैट इज भाषा का उपयोग कैसे करना है। हम देखिए बड़े लोगों छोटे लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो रूल्स ऑफ द लैंग्वेज दैट इज नथिंग बट प्रैग्मैटिक्स, कि हम किसके साथ कैसे बात करें। तो ये सारे भाषा का कंपोनेंट है। अब आप देखेंगे जो पहले स्लाइड में हमने बताया कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, जो कि श्वास लेना, फोनेट करना, आर्टिकुलेशन, मुंह से आवाज निकालना, फिर नाक से हवा पास होकर रेजोनेंस, ये चार, और फिर ये कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, ये पांच। ये खुद इतना बड़ा है, तो अभी कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, मान लीजिए आवाज नहीं निकाल पाता है, प क न कुछ भी नहीं बोल पाता, तो उसको क्या प प प प करवाने से आएगा? नहीं आता। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे कि इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं और आप कैसे इस चीज को जान सकते हैं कि ये सर्टेन चीजें को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ अभी। फिर है आपका, अभी तक हमने देखा कि स्पीच क्या था, लैंग्वेज का कंपोनेंट क्या था। अब क्या है कि वाक और भाषा का जो विकास होना है उसके लिए कुछ जरूरी जरूरत है, मतलब पहले वो होना चाहिए। यदि नहीं है तो वाक और भाषा का विकास कम या नहीं हो पाता है, या थोड़ा डिलेड हो जाता है, देर से हो पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले है दिमाग का बढ़ना, ठीक है, दिमाग को अच्छे तरह से डेवलप हो जाना। फिर है जो हम दिमाग से जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, या मान लीजिए हम प बोलना चाह रहे हैं, वो दिमाग से कहीं ना कहीं हमें मैसेज आता है कि बोलो प, सो वो कोऑर्डिनेशन। फिर है सेंसरी एबिलिटीज, देखने का क्षमता, सुनने का क्षमता, टच करने का क्षमता, फील करने का क्षमता, ये सारे क्षमता है कि नहीं है। यदि मान लीजिए हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हम सर्टेन स्टिमुलाई जो सर्टेन हमारे बीच में, उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, या सुनने की दिक्कत है। तो जब मान लीजिए कोई आप देख रहे हो बट सुन नहीं रही हो, तो उसमें क्या है, आप एटलीस्ट ये अनुमान लगा सकते हो देख के कि ये कलम है। और जो बच्चा सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, दोनों नहीं कर सकता, उसके लिए एक ही माध्यम होता है, छू के, एग्जाम्पल, या उसको टच करा के, फील करा के, स्मेल करा के। तो सेंसरी एबिलिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर है मान लीजिए किसी किसी घर में क्या होता है, या कोई पेरेंट्स क्या होता है, बच्चे बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, एग्जाम्पल, तो पेरेंट्स उसको सुनते हैं, अभिभावक उसको सुनते हैं, टीचर्स उसको सुनते हैं, थेरेपिस्ट सुनते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बोलना चाहता है, आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो बोलने का, बीच में बोल रहे रुक जाओ बेटा, अभी रुको, बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चा लैप्स होता चला जाता है। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन। फिर है आईक्यू, इंटेलिजेंस, उसका दिमाग का जो है क्षमता वो कितना बढ़ रहा है, एंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट। आप ये देखे होंगे, आप हम सबसे हमसे आप एग्री करेंगे सभी लोग, कि जो बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अभी लखनऊ में रह रहा हूँ, लखनऊ में मेरा एरिया मान लीजिए बुद्धेश्वर का एरिया है, या गांव का एरिया है, गांव में मेरे पास फसल है, खेत है, खलियान है, पशु है, पक्षी है, मैं सब रखता हूँ, तो मेरा जो इन्वायरमेंट है ये इसमें ही जुड़ा हुआ है। मेरे पास टीवी नहीं है, फोन नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टीवी नहीं है, फोन नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, मैं जमीन पे बैठता हूँ, चटाई पे बैठता हूँ, खाट पे सोता हूँ, खुले आसमान में छत पे सोता हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट है। तो जो मेरा शब्दों का विकास होगा वो पहले ये होगा, फिर जैसे जैसे मेरे को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो वो होता है। तो ये जो बच्चा या जो हम लोग जो जिस इन्वायरमेंट में, वातावरण में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा हावी होता है भाषा का विकास में। हम वो भाषा पहले सीख लेते हैं, वो चीजों को पहले सीखते हैं, फिर हम बाद में दूसरे चीजों को सीखते हैं, जैसे जैसे हमें एक्सपोजर मिलता है। तो ये सारे जरूरी है भाषा, वाक और भाषा का विकास होने के लिए। इसमें से कुछ भी यदि अफेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर संप्रेषण, संप्रेषण हम दो तरह से करते हैं, कम्युनिकेशन एक रिसेप्टिव है, एक एक्सप्रेसिव है, एक समझने की शक्ति है, एक बोलने की शक्ति है। और ये एक है बोल के बोलते हैं और एक है बिना बोले बोलता है, बोल के जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है, बच्चा रोता है या हाथ से इशारा करता है या पिक्चर्स बनाता है या लिख के बात करता है,
या डिफरेंट सिंबल्स यूज करता है, साइन लैंग्वेज यूज करता है, सो दीज आर द, ये सब नॉन वर्बल है, ठीक है, नॉन संप्रेषण है। और संप्रेषण जो है, ये वर्बल जो है उसमें हम बात करते हैं। तो ये दो तरह से हो सकता है कम्युनिकेशन संप्रेषण, एक बोल के एक बिना बोले। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिना बोल के कर रहा है उसका कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं है, हमें देखना है कि वो उसका जो स्किल्स है, उसका जो जिस तरह से वो बात कर रहा है उसे हमें पहचानना है। सो ये ध्यान रखें, मान लीजिए कोई बच्चा आंख से ही इशारा कर दे, पलकों को ही झपका ले, सो दैट इज हिज कम्युनिकेशन। आपने पूछा खाएगा बेटा, उसको कुछ बोलने नहीं आता, स्माइल कर दिया, हो सकता है आंख का पलका झुका दिया, सर घुमा दिया, सो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका इंडिकेशन है हाँ या तो उसका इंडिकेशन है ना, तो हमें वो समझना होता है। तो उसके लिए टाइम टेकिंग है, बट दिस इज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कमिंग टू द डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या है मोस्टली जो बच्चों में देखा जाता है, खास करके बच्चों में देखा जाता है वॉक की जो प्रॉब्लम्स है वो भाषा का, संप्रेषण का, आवाज निकालने का, हकलाना तुतलाना और निगलने का। तो इसमें बहुत ब्रीफली आपको ले चलते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स में। सबसे पहला आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन आई थिंक सब लोगों को पता होगा, तुतलाना जो हम लोग बोलते हैं बच्चों को, तुतलाना, ठीक है। तुतलाने में क्या होता है, ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चे को बच्चा तुतलाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फंक्शनल स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं ना आप, बच्चा बोलता है खाओ कुताओ, तो उसको हम प्रेज करते हैं, उसको हम बताते हैं कि ओ, हम भी नकल कर लेते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को नहीं सुधारता और वो धीरे 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 तुतलाने लगता है, और साथ में जो नकल करता वो भी, मैं भी तुतला सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि तुतलाएगा ही, बस तुतला सकता है। तो ये फंक्शनल है। अब एक होता है स्ट्रक्चरल, मान लीजिए मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, टंग टाई, हमारा जीव जो जो है वो जुड़ा हुआ फ्रीनम से, या तो तालु कटा हुआ है, या जीभ घूम नहीं रहा है, या और कुछ मसल्स इशू है, तो वह स्ट्रक्चर में आता है। तो हम बात कर रहे हैं दोनों का आर्टिकुलेशन इशू। इसमें क्या है, चार तरह से प्रॉब्लम दिखते हैं। एक तो होता है पहला ओमिशन, आप इसमें देखेंगे सोडा हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन। लेकिन सबसे पहले जो देखा जाता है वो देखा जाता है ओमिशन, मतलब हटाना। अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बोला कप, तो कप को हो सकता है कप क खाली बोले या प खाली बोले, पहला पहला साउंड डिलीट कर दे, या मान लीजिए स्पून को पून बोले, खाना को आना बोले, ठीक है, तो ये ओमिट करना हुआ, या तो पहले या बाद में, डिपेंड करता है कि अक्षर में मान लीजिए सबसे पहले कर रहा है कि बीच में कर रहा है कि बाद वाले में कर रहा है, जैसे ख से खरगोश, ठीक है, रखना ख बीच में। तो जब हम इसको चेक करते हैं ना, तो यही देखते हैं कि इस तरह से वो कौन सा लेवल पे कर रहा है उसको डिलीट। फिर दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब जोड़ना। अब मान लीजिए उसको बोलना है बिल्ली और ब के बदले वो ल जोड़ दिया, या उसको बोलना है तकिया, त के जगले अगेन वो क जोड़ दिया, कतिया। तो इस तरह से उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक में ऐड कर देना। डिस्टॉर्शन क्या होता है, वो सेम साउंड को एक जैसा नहीं बोल के उसको अल्टर करना, मतलब दूसरे ढंग से बोलना। लेट्स एग्जांपल, जैसे पेन है उसको प्रेन भी बोल सकता है, प्रयान भी बोल सकता है, तो वो लगता है सुनने में और सा लगेगा, सो दैट इज डिस्टॉर्शन। फिर आता है आपका एडिशन, एडिशन में क्या होता है, वो पूरा बीच में कुछ ना कुछ उसमें घुसा देता है, एक शब्द या दो शब्द या एक अक्षर या दो अक्षर उसमें घुसा देता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन। तो ये चार मेजर हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडा, जो हमारे बीच में हमारे भाई बंधु हैं स्पीच और हियरिंग वाले, उनको सबसे पहले यही पूछा जाता है व्हाट इज सोडा एग्जांपल। तो ये याद रखने वाली बात है, हमारे पेरेंट्स या जो भी जुड़े हैं सोडा याद रखें, सोडा पहले सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जी रिज्यूम प्रेजेंटिंग करते हैं। अच्छा,
वॉइस इज नॉट क्लियर. नाउ इट्स क्लियर. नाउ ओके, वॉइस एंड प्रेजेंटेशन इज ओके. या सो ये बता रहा था आपको सोडा. फिर आते हैं इसके काउजेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ कैसे शुरू होता है. एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए एक्सेंट एंड डायलेक्ट, ये बहुत जरूरी है जानना. मान लीजिए मैं बिलोंग करता हूँ गांव से, जहाँ मेरे को स्कूल के बदले स्कूल या अस्कूल बोला जाता है, स नहीं बोल पाते हैं उसके बदले हम कुछ और बोलते हैं लर्न एग्जाम्पल. तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेंट एंड डायलेक्ट क्या है, हमारा जो भाषा है वो हर एक 50 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज हो जाता है, हर एक भाषा थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है. तो हमें ये ध्यान देना है, यदि ये प्रॉब्लम की वजह से ये कल्चरल एस्पेक्ट है तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है. हाँ वो जगह पे वो सही बोल रहा है, उसके कल्चर में वो सही बोल रहा है, बट अगेन यदि उस कल्चर से उठ के, मान लीजिए कोई गांव का बच्चा जो गांव में ही रहा है और वो गांव में स्कूल बोला है या स्कूल बोला है जो भी बोला है, और उसके यहाँ वही बोलते हैं, ग्लास को गिलास बोलते हैं एग्जाम्पल, किताब को किताब बोलते हैं एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ अन्यथा ना ले, तो ये उसके कल्चर में जो बात कर रहे हैं वो डायलेक्ट में बात कर रहे हैं. और यही यदि मान लीजिए शहर में आ जाए या आउट ऑफ इंडिया चले जाए तो दे हैव टू चेंज देयर एक्सेंट, उनको आवाज बदलना पड़ेगा, तो वो सीखने की जरूरत होता है. बट इसमें ये नहीं है कि बच्चे को आर्टिकुलेशन की तुतलाने की इशू है. तो पहले एक ये कॉमन है, ये सब पे इम्पैक्ट सब पे पॉसिबल होता है, सबके लिए जरूरी है. ये कोई भी प्रेजेंट कर रहे हैं लाइक हरिओम जी अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, मैं फिर मेरा स्लाइड नहीं दिखेगा आपको, तो आप लोग कृपया प्रेजेंट बटन न दबाएं, नहीं तो मैं फिर बोलता रहूंगा ऐसे ही. सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं. हरिओम जी कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं. और सर की जो आईडी आ रही है सेकंड नाम से, राजीव रंजन जी के नाम से प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, उस पर कृपया सभी उसे पिन कर लें, जिससे मान लीजिए बीच में कोई व्यवधान आता है तो आपको स्क्रीन दिखाई देती है. ओके दूसरी बात, नो प्रॉब्लम सर. दूसरा ये बोला गया है इस पर रिसर्च है कि जो जेंडर है ठीक है उसमें लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम होता है. ये इस पर रिसर्च है श्रीवर्ग 1999 के हिसाब से ठीक है. तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेल जो है लड़कों में ज्यादा होता है लड़कियों से. फिर है प्री एंड पेरिनेटल प्रॉब्लम्स, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है ठीक है. ये ऑलमोस्ट सारे के प्रॉब्लम्स में आते हैं, जन्म के समय या जन्म के पहले गर्भावस्था में माँ को कोई दिक्कत हो जाए या जन्म के समय बच्चे को कुछ चोट वोट लग जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. जेनेटिक स्टडी फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, अभी किसी को पहले ये प्रॉब्लम है परिवार में तो ये थोड़ा आ सकता है. मैं जैसे एग्जाम्पल दिया अभी, मान लीजिए मैं किसी की नकल भी कर रहा हूँ, मेरे चाचा ऐसा बोलते थे, मेरे भाई बोलता था या कोई भी बोलता था और मैं नकल किया, तो देर आर चांसेस, हाईली चांसेस, हकलाना और तुतलाना दोनों. और एक मेडिकल रीजन है ओटाइटिस मीडिया, आप ये फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक गोलाकार है वो उसमें ओवल जैसा व्हाइटिश कलर है. तो ओटाइटिस मीडिया मोस्टली कान का इन्फेक्शन होता है, वो कान के इन्फेक्शन के कारण धीरे 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 वो अंदर चला जाता है और उससे बच्चे बोलना मतलब ये प्रॉब्लम आते हैं. स्क्रीनिंग इसमें कैसे करते हैं आर्टिकुलेशन का, सबसे पहले इसमें जैसा कि हमने बता रहे थे आपको कि जो हर एक साउंड लेवल जो है, मान लीजिए हमें बोलना क का लेना है तो इसको हम स्क्रीनिंग और टेस्ट दोनों से कर सकते हैं. अब जैसे स्कूल में कोई टेस्ट नहीं है एग्जाम्पल, या घर में कोई टेस्ट नहीं है तो क्या करें, बच्चे को अ से आ जो बारह खड़ी आता है ये बुलवा लीजिए. आप देखिए कि जो बड़ा आ है वो सही से बोला कि नहीं, अ आ वो लंबा दिया कि नहीं, मुंह खोला कि नहीं, तो वो आप हर एक जो साउंड है हर एक अक्षर है उसको आप अलग 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 पे कर सकते हैं. तो ये सारे ना इनफॉर्मल है. उसके बाद उसी से आप वर्ड बना लीजिए, शब्द बना लीजिए, मान लीजिए क से कौवा, क से कलम, क से कान ठीक है. और उसको अलग अलग में आप देखिए कि बच्चा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. यदि नहीं बोल रहा है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि नहीं. फिर आता है ओरोमोटर, जैसे कि मैं बोल रहा था मुंह के अंदर का पार्ट, मुंह के अंदर के पार्ट मान लीजिए मेरा नीचे का जबड़ा है, मेरा जीभ है, मेरे दांत है, मेरे कड़ा तालू है, मुलायम तालू है,
तो ये फंक्शन कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है, कहीं मेरे जीभ जुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं मेरा तालू कटा हुआ तो नहीं है, मेरे ओठ कटे हुए तो नहीं है, तो ये सारे हम इसको देख लेंगे। इतना तो हम सब लोग कर लेते हैं कि ये जनरली हम लोग देख ही लेते हैं, यदि नहीं तो फिर हम आगे इसको रेफर करेंगे अपने नियरेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में या अपने नियरेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पास, ठीक है। तो ये पूरा हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, यदि इसमें भी पता नहीं चले देन जैसा कि हमने बोला कि क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर्स जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप उनसे भी मिल सकते हैं, उन्हें भी इतना मालूम होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम, फिर वो आपको आगे रेफर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देंगे। और इसके लिए जब आप रेफरल के थ्रू आते हैं तब आपको हम लोग आर्टिकुलेशन टिपिकल आर्टिकुलेशन टेस्ट करते हैं जो बेसिकली फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट होता है इन हिंदी। उसमें बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट जैसा कि मैं आपको बताया क से कौआ, फिर क से कलम, फिर बीच में नमक, लास्ट में नमक, मकान, तो ये सारे पिक्चर्स बने होते हैं और वो पिक्चर्स हम बच्चे को दिखाते हैं। और यदि बच्चा बोल देख उसको पढ़ना नहीं आता है तो देख के बोल सकता है तो बोल सकता है, नहीं तो उनके पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि अच्छा आप ये बता बुलवा के बताइए, आप घर पे करवा लीजिए, तो वो कंप्लीट टेस्ट होता है। उसके साथ में ओरो मोटर एग्जामिनेशन कर लेते हैं और उसके साथ में हम लोग इवन कान नाक गले वाले सर्जन के पास भी भिजवाते हैं कि कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर से मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ स्पीच जो रेस्पिरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस, ये चारों इंपॉर्टेंट है असेसमेंट के लिए, तो ये याद रखिए, वेरी बेसिक, डीप में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वॉइस के ऊपर, बच्चों में वॉइस की दिक्कतें क्या क्या है, इसमें भी आप पिक्चर्स में देखेंगे और ये लाल कलर आपको दिख रहा होगा, पॉलिप नोड्यूल सिस्ट ऑन द वोकल कॉर्ड, पिबरफोनिया, एंड्रोफोनिया, लरिंजाइटिस, ये चारों ना, एंड्रोफोनिया छोड़ दीजिए, ये पिबरफोनिया, पॉलिप्स एंड लरिंजाइटिस, ये तीनों कॉमन है, कॉमन मतलब मोस्ट देखे जाते हैं। अब इस साइड में आप पिक्चर देखेंगे तो एक छोटा छोटा पिक्चर बना हुआ, नोडल्स में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स है जो कि वॉइस डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। तो जब बच्चा मान लीजिए ज्यादा चिल्लाया क्लास में, या इवन हम लोग या टीचर्स जो मान लीजिए 8 घंटा डेली बात करें और आपका जॉब पहली बार है, आपको देखिएगा गले में दर्द होता है, आपका आवाज जो है भारी होने लगता है, तो ये जो वाइब्रेशन होता है वोकल फोल्ड का, यहाँ पे आप देखेंगे ये दो, ये जो वाइब्रेशन होता है इसमें हल्का सा गांठ आ जाता है, तो इसके कारण से वो बंद नहीं हो पाता है और खुल नहीं पाता है ठीक से, बंद होने के बीच में जगह उड़ा जाता है तो हवा बाहर आती है, इसलिए आवाज भारी होता है। तो वो ज्यादा चिल्लाने से भी हो सकता है, जोर से बोल सकता है, बिना मतलब का बोलते रहने से भी हो सकता है, ज्यादा थ्रोट गला जो हम क्लियर करते करके इससे भी होते हैं, तो ये मेजर कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो एक ये है, दूसरा पॉलिप है कि वहां पे दोनों जो वोकल फोल्ड के बीच में क्लियर आ जाता है, पॉलिप है, फिर कैंसर, कार्सिनोमा, परत जम जाता है एंड सिस्ट, घाव हो जाना। पिबरफोनिया जो है वो है लड़का लड़कियों के जैसा आवाज निकालना, वो क्या हार्मोनल चेंजेस होता है, उम्र बढ़ जाता है, मान लीजिए 13-14 साल का लड़का हो गया बट उसका आवाज बच्चों जैसा ही हो रहता है, हाई पिच में ही रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता है, तो लड़कों का लड़की जैसा बोलना पिबरफोनिया। सर पीपीटी नहीं दिख, पीपीटी अरे प्रेजेंट आप लोग ना करे ना, फिर से कोई प्रेजेंट कोई नहीं रोके, आ रही होगी अभी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कृपया प्रेजेंट बटन ना दबाएं, नहीं तो बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, बार बार प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू। ठीक है, पिबरफोनिया जो मैं बता रहा था, लड़कों का लड़कियों जैसा आवाज निकालना, उसका क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू जो भी वो क्या होता है, चेंज नहीं हो जाता है उसका, जो हम बोलते हैं ना पिच, जो तीव्रता होता है वो चेंज नहीं हो पाता है, वो हाई पिच नहीं होता, तो पिबरफोनिया, उसका उल्टा एंड्रोफोनिया, लड़कियां लड़कों जैसा बात करते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो या जो भी हो नहीं प्लेस हो पाता है और उसके बदले ये होता है। तो दीज आर द कॉमन वॉइस प्रॉब्लम्स।
ओके, रिस्क फैक्टर जैसा कि अभी बताया कि क्या क्या हो सकता है, जब हमने बोल रहे थे ज्यादा चिल्लाना, अगेन रेड कलर कॉमन टू द चिल्ड्रन, वॉइस मिसयूज और ओवरयूज, ज्यादा जोर से बोलना, अननेसेसरली चिल्लाना, ठीक है, मान लीजिए ज्यादा दिन तक बीमार पड़ गया हमारे लंग्स, अपर जो बोलते हैं ना डॉक्टर बोलता है यूआरटी हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी वॉइस चला जाता है, ठीक है, और बार बार गला साफ करना, और सर्टेन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, सो दीज आर द कॉमन इन चिल्ड्रन। जब हम एडल्ट की बात करें तो सबसे पहला क्या है, सिगरेट पीना, स्मोकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एजिंग, और सिगरेट के साथ हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ये सारे प्रॉब्लमेटिक है। तो यदि आपको अपना वॉइस अच्छा रखना है तो ये सबसे दूर रहें, ले अपने डॉक्टर से परामर्श करें, और एक बार ये अफेक्ट हुआ देन आपका प्रॉब्लम क्या होता है, हमें हो सकता है आपका वॉइस बॉक्स जो है वो निकालना पड़े, सो उसके लिए डरा नहीं रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, इसमें मोस्टली देखते हैं चार तरह से आवाज आती है, एक तो आवाज का चला जाना, बिल्कुल ही लॉस ऑफ वॉइस, आवाज निकाल ही रहा, वो पूरा मरमर जैसा, मालूम एकदम बात भी कर रहा है एकदम हल्का सा आ रहा है, सो दैट इज द वन। और दूसरा है कि मान लो बात करो तो मेरा नाम, पूरा हवा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, या पूरा तेज हो रहा है, मिया, ये पिच जो भी मैं बोला तीव्रता ज्यादा हो रहा है, या बहुत जोर से बोल रहे, तो ये सारे ना वॉइस के सिम्टम्स है, ठीक है, ये आपको देखने पड़ेंगे कि जो आपसे बच्चा बात कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों के केस में, टीचर्स जो लोग होंगे और जो खास करके पेरेंट्स जो आप अभी बच्चे को बोलेंगे बेटा आज तुमको ये कहानी बताना है और एग्जाम्पल बच्चा को नहीं करना है, तो सम टाइम ये फंक्शनल्स भी होते हैं, वो बोलेगा आवाज ही नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा करता है, बट 100 में 1 से 2% बच्चे ऐसे हैं जो ये अडप्ट कर लेते हैं कि आवाज नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, तो वो फंक्शनल्स होते हैं, तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि ये फंक्शनल तो नहीं है। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं वॉइस के, जैसे जोर से बोलना, पूरा तेज में बोलना, आवाज को ब्रेक कर देना, ठीक है, तो ये सारे जनरल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। फिर इसका स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनिंग में भी याद रखिए कंपोनेंट हमारा 3 रहेगा इसमें, 4 अगेन रेस्पिरेशन, सबसे ज्यादा इसमें श्वास, और फिर फोनेशन लेवल, मतलब जो हम बोलते हैं ना आवाज की ग्रंथि लैरिंग्स, उसको और फोनेशन को, वहीं से आवाज निकलेगा तो कितना आ रहा है, और फोनेशन से हमें मालूम होता है कि बेटर हमारा जो आवाज वोकल फोल्ड जो है वो सही से वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब जो नाक से आवाज आती है। अब इसमें वॉइस में क्या होता है, जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हाइपर नेजर तीन तरह का इसमें प्रॉब्लम देखे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नाक से बात करता है, नकिया रहा है, सो दैट इज हाइपर नेजालिटी। उसमें क्या होता है, जो भी हवा है, जो भी स्रोत है, ऊर्जा है मुंह के अंदर, वो नाक वाली नली से बाहर आ जा रही है, तो जो साउंड मुंह से बोलना चाहिए, जीभ से टकरा के बोलना चाहिए, वो नाक से आ रही है, जैसे नाक से खाली म न अंग, एग्जाम्पल दीज आर द साउंड जो नेजल है, बाकी मोस्टली मुंह से ओरल साउंड है, तो सारे नेजलाइज होने का मतलब दैट इज कॉल्ड हाइपर नेजल। दूसरा है कि नाक से आवाज ही नहीं आता, म न भी नहीं बोल सकता, तो वो बोलते हैं डी नेजालिटी। और एक होता है कि कम नाक से आवाज आता है बट उतना क्लियर नहीं आता, तो हम ये जब स्क्रीनिंग करते हैं तो ये सारे देखते हैं। इसके बाद जो असेसमेंट है इसमें फोनेशन तो एक करेंगे ही करेंगे, इसमें एकॉस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल है, ये बिना आए नहीं हो पाएगा, सेंटर बेस के बिना नहीं हो पाएगा। जनरल जो हमने बताया कि आप ये देख सकते हैं कि बच्चा बहुत तीव्रता में, मतलब लड़का लड़की जैसा तो बात नहीं कर रहा है, भारी आवाज में तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है, नाक से तो नहीं बोल रहा है, वो टोड़ टोड़ के तो नहीं बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे को कुछ दिक्कत है, इसमें तो आप इमिडिएटली उसको रेफर कीजिए। जब हमारे पास वो आएंगे तो हम लोग कंप्लीटली चेकलिस्ट यूज करेंगे, पहले चेकलिस्ट के बाद हम उसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे ले जाएंगे, वॉइस एनालिसिस पे, जो कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, उसका वॉइस हम रिकॉर्ड करते हैं
और उसमें से हम ये देखेंगे कि उसका जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए हम लोग एडल्ट का 120 तक होना चाहिए और फीमेल का 220 तक होना चाहिए, तो इसमें कितना वेरिएशन है। यदि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग थेरेपी, वॉइस थेरेपी शुरू कर सकते हैं या करते हैं। तो इसका असेसमेंट मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है। सब्जेक्टिव में हम सिर्फ परसेप्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कमिंग टू द स्टटरिंग फ्लुएंसी, फ्लुएंसी जो हम लोग बोलते हैं हकलाना, राइट, वो नथिंग बट जो आवाज जो आती है ना, जैसा भी हमने बोला कि जो हवा आ रही है, रेस्पिरेशन, जो श्वास हम ले रहे हैं, वो कितना इजिली मुंह के अंदर से निकल रहा है, कितना स्मूथ आ रहा है। जैसे हम पाइप एग्जांपल लें, पानी का पाइप जो हम गाड़ी धोने के लिए यूज करते हैं, आप समझिएगा इसको, तो क्या करता है, कभी मान लीजिए बच्चा उस पर चढ़ गया या आप ही का पैर पड़ गया, पानी रुक जाता है। सिमिलरली यहाँ पे कहीं ब्लॉक आ गया तो आप रुक जाएंगे, आप तभी वो अटकना शुरू हो जाता है। या मान लीजिए पाइप टेढ़ा हो गया, उसको दो तीन जगह बांध दिए, देखिए पानी आएगा बट धीरे धीरे आएगा। तो फ्लो जो है, जो हवा का बहाव है मुंह के अंदर, लंग से लेके मुंह तक, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट फ्लुएंसी, बहाव के साथ जो हम बात करते हैं उसका रेट, एंड जो हम जिस तरह से अपना प्रोसोडी उसमें डालते हैं, दैट इज ये तीनों मिला के फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी में दो पार्ट है, एक स्टटरिंग है, क्लटरिंग है। स्टटरिंग जो हम हकलाना बोलते हैं, क्लटरिंग उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चा रिपीट करता है, लाइक या बोलेगा मेरा, ठीक है। तो दैट इज रिपीटेशंस ऑफ साउंड्स, हो सकता है वो पहला साउंड करे या पूरा मेरा 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 पूरा शब्द करे या पूरा सेंटेंस कर ले, इट डिपेंड्स एज पर उसको प्रॉब्लम कितना है। तो एक तो हो गया रिपीटेशंस, दूसरा हो गया लंबा करना, कि कितना लंबा कर रहा है वो कॉन्सोनेंट्स को, जो हम बोलते हैं ग ख ग ट ठ व्हाटएवर सबको, वो खाली एक कॉन्सोनेंट को पूरा पांच बार बोल देना या बढ़ा देना, तो वो लंबा करके बोलना, और बीच में अटक जाना, से बोला मैं मुंह खोल के रख गया या खोलने के बाद अंग 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 कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। ब्लॉक्स भी दो तरह से होते हैं, एक होता है कि ऑडिबल, एक इनऑडिबल। मतलब जब ब्लॉक्स है तो फील जो हम लोग बोलते हैं ना, जब हकला रहा होता है बच्चा, तो उस समय क्या होता है, वो बीच में कुछ 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 भरने लगता है, तो दैट इज नथिंग बट योर ब्लॉक्स। यदि बीच में कुछ भर रहा तो कैल फील्ड, यदि वो खाली है, पूरा गैप है एक सेकेंड दो सेकेंड का, तो अनफील्ड। इसके बाद दो चीजें और इसमें देखने हैं, सेल्फ कोपिंग बिहेवियर कैसा है बच्चे का। सेल्फ कोपिंग में मान लीजिए मैं अटक रहा हूँ, मेरा नाम, तो कभी कभी ना मैं ये हैंड क्लेंचिंग, फिंगर, पूरा फिंगर क्लेंचिंग, नाक मेरा फड़कने लगना, जो हम लोग बोलते हैं ना, आँख फड़क रहा है, नाक फड़क रहा है, ओठ फड़क रहा है, सो दैट इज ऑल कॉल्ड फ्लेयरिंग। सो ये सारे देखने को मिलते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि उसका कोपिंग बिहेवियर जो है, सेकेंडरी बिहेवियर है, वो एसोसिएटेड है कि नहीं है। फिर मान लीजिए वो डिपेंड करता है मेरे पर्सनालिटी के ऊपर भी, कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, नए लोगों के सामने मैं नहीं बात करूंगा, तो उसमें हिचकूंगा तो ऑफ कोर्स मैं रुकूंगा, मेरा फ्लो रुक जाएगा, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बोलता हूँ, सबके साथ बोलता हूँ, अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। सो अगेन हमें ये पर्सनालिटी भी देखने होते हैं बच्चों में या बड़ों में, कि वेदर वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कि और कुछ है। यदि हमें समझ में नहीं आए तो हम तुरंत जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास भेज के उसका असेसमेंट भी करवा सकते हैं। तो ये आपका स्टटरिंग का था, मतलब हकलाना। अब इसमें बच्चों के खास करके केस में जो हकलाना होता है, ये सर्टेन प्रॉब्लम्स के साथ भी एग्जिस्ट हो सकता है, ये एज पर स्टडी है। लाइक एडीएसडी के साथ हो सकता है, एएसडी के साथ हो सकता है, आईडी के साथ हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हो सकता है, जिसको झटके आते हैं उसके साथ हो सकता है, जिसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है उसके साथ हो सकता है, जिसको आर्टिकुलेशन की दिक्कत है उसके साथ आ सकता है, और अदर जो कि विकसित डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है उसके साथ आ सकता है। सो दीज आर द स्टडी बेस्ड, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिकमेंडेड है, कहीं ना कहीं इसको लिखा गया है कि इन बच्चों में भी हकलाना देखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं,
और इसको हम जांचते कैसे हैं? तो जैसा कि अभी हमने बोला कि एक साउंड में आपको देखना है, मान लीजिए आप रेट इसको चेक करना है कि कितना जल्दी आपका बच्चा बोल रहा है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए, या देखिए ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा, कितना कि बोलते रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो एक ये ध्यान देना है। दूसरा, कौन कौन सा शब्द में कर रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है कि एक ही साउंड में कर रहा है, कोई बच्चा बहुत सारे शब्द में कर रहा है या साउंड में कर रहा है, तो वो साउंड को हमें लिखना पड़ेगा। और दूसरा है कि वो उसको बढ़ा के बता रहा है कि एकदम नहीं बढ़ा रहा है, तो मतलब वो रिपीट कर रहा है यदि, तो एक साउंड में कर रहा है कि पूरा शब्द में कर रहा है कि पूरा वाक्य में कर रहा है। और देन लंबा खींच रहा है तो किस में खींच रहा है, अधि ब्लॉक, जैसे मैंने बोला अटक गया बीच में, अटक गया तो कितना, मतलब उस अटका तो उस समय आवाज निकलता है कि एकदम चुपचाप से अटका हुआ है, तो ये सारे देखने हैं। एंड जो बोला इन कोपिंग बिहेवियर, उसको आपको देखना हाव भाव उसके, कितने बच्चों को देखेंगे ना जब प्रॉब्लम होता है और अटकता है तो पूरा पसीना चेहरे पे हाथ पूरा भींग जाएगा और वो पैर को स्टिफ कर लेगा, हाथ को ये कर लेगा, क्लेंच कर लेगा। सो ये सारे देखने हैं, तो ये सबको रिलीज करना होता है पहले, फिर वो अपने आप से फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स एज वेल एज आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको पहचान करा सकते हैं कि हम ये देखेंगे, इस चीज को हम करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमें थोड़ा जल्दी मूव करना होगा, टाइम नजदीक आ रहा है। तो ये कॉमन थे स्पीच के बारे में, अब मैं मूव कर रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में। देखिए लैंग्वेज में दो चीजें होते हैं, एक समझने का एक बोलने का, इतना ही ध्यान रखना है पहले, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बट हम क्या पहचान करेंगे कि बच्चा समझ रहा है बोल रहा है कि नहीं एज पर एज स्पेसिफिक। तो अभी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। इसमें जो हमारे कुछ स्लाइड्स हैं वो आपको अप टू 3 इयर्स के हैं, उसके बाद एज वाइज है, वो मैं थोड़ा बता दूं। एग्जाम्पल, सबसे पहला जो है डिस्कवरर हम लोग बोलते हैं, डिस्कवरर एकदम छोटे बच्चे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बुक गिरा बच्चा चौंक गया, या जिसको बोलते हैं ना, जो आप मान लीजिए आए जोर से दरवाजा खोला बच्चा रोने लगा, सो दिस इज व्हाट द डिस्कवरर, मतलब वो खोजता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो ये जो इस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं उनको बोला जाता है डिस्कवरर। और इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो जब हम भाषा के तरफ जाते हैं तो देखिए 0 to 2 months में रोता है बच्चा, बट वो अलग से नहीं रोता है, 2 से 4 महीना में अलग अलग तरीके से रोना, लाइक भूख लगे तो अलग तेज रोना, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, या कोई उसको दर्द हो तो अलग से रोना, खुश हो तो अलग आवाज निकालना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड क्राई। फिर 4 से 8 महीना में बच्चा बाबा बाबा बोल देना, 8 से 10 महीना में लाइक उसको अलग रूप से बाबा इस तरह से, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग साउंड्स को मिला के मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल बिना बिना मीनिंग का आवाज निकालना, शब्द निकालना 8 से 10 महीने में। ठीक है, 1 साल में लगभग अप टू 12 months पहला शब्द बोल देता है, अप टू 1.5 साल में 20 शब्द होने चाहिए, अप टू 2 साल में 2 शब्दों को जोड़ के बोलना चाहिए, 3 साढ़े 3 साल में सिंपल वाक्य से लाइक मेरे को खाना दो से लेके मामा रोटी एक रोटी दो इस तरह से बोलना शुरू हो जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज भाषा के विकास में, प्री वर्बल स्किल्स हम लोग बोलते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको असेस करना कि जितना हमने अभी आपको बताया, लाइक आंख से आंख मिला के बात करना, ध्यान देना, अपने बारी का इंतजार करना, श्वास लेने की क्रिया को क्रिएट करना, कंट्रोल करना, और इमिटेट करना, आप जो बोल रहे हैं उसको बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा के विकास में। अभी इसमें से मान लीजिए आप एक दूसरे से बात करते हैं और हम आपको ना देखें या आप हमको ना देखें तो क्या बोलेगा कि यार ये ठीक से बात ही नहीं करता, इसका लगता है क्या है, लुक वो प्रॉब्लम है कुछ क्या, या मान लीजिए आप बात कर रहे हैं आप अपने मोबाइल में लगे हैं, तो ये सारे दर्शाता है, मालूम एडल्ट केसेस में ये दिखाता है आपका प्रैग्मेटिक स्किल्स। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप मोबाइल में लगे हो, यार इतना तो समय है आपके पास कि आप हमसे देख लो 2 सेकेंड, मोबाइल तो बाद में भी देख लोगे, बट आज के दुनिया में बात कर रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं,
एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो दैट इज ध्यान, वो अटेंशन आपको वो अटेंड नहीं कर पा, वो क्लियर मैसेज आ रहा है कि ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट अटेंडिंग यू बट अटेंडिंग, बट एट द सेम टाइम ही इज अटेंडिंग अदर मैसेजेस ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम लोग मिस करते हैं इसको, बोलते हैं अरे नहीं छोटा है सीख जाएगा, कब सीखेगा, उसको सिखाओ, उसको बताओ कि पापा बात कर रहे हैं, लुक एट टू पापा, पापा को ध्यान दो, या पापा को देखना है, बेटे से बात कर रहे हैं, अपने बच्चे टीचर को देखना, हम अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ कर ना बात करें, मान लीजिए प्रीलिम में बच्चा है, प्राइमरी में बच्चा है, केयर नर्सरी में बच्चा है, तो आप कुर्सी पे आप नीचे उसके बच्चे के साथ में जाके बात कीजिए, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई टू आई कॉन्टेक्ट, ज्वाइंट अटेंशन, टर्न टेकिंग, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्किल्स टू लर्न, और इसको चेक करना भी इम्पोर्टेंट है कि वेदर, जैसा कि हमने बताया कि शिक्षक है, पेरेंट्स है, तो बच्चे के लेवल में बात करें, वो देखें कि बच्चे आपको देख रहा है, आपसे ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग, सिमिलरली मैं आगे बढ़ूंगा, कम्युनिकेटर्स, ये डिस्कवरर था अभी, जो कि आपको अप टू जो आवाज गिर, डिस्कवरर में क्या होता, कम्युनिकेटर्स में क्या होता है ना, शब्दों को जोड़ने लगता है बच्चा, राइट। एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे मम्मा है और बच्चा है, वो लाइट देख रहा है और मम्मा पूछ रही है वेर इज लाइट, तो बच्चा स्माइल करेगा या उसको पॉइंट करेगा, सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटर्स। वो भले आवाज निकाले या ना निकाले, बट ही और सी, वो जो है बच्चा, वो ट्राई कर रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो कम्युनिकेटर। तब भी हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये आपको लगता है कि बच्चा आपसे सही से बात करता है, आप इंटेंट है उसमें, वो करने का कोशिश करता है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, कम्युनिकेटर, फर्स्ट वर्ड यूजर, एक शब्द यूज कर लेता है, ठीक है, लाइक बॉल, बिल्ली को देखा तो बिल्ली, रोटी, मम्मा को देखा तो मम्मा, पापा को देखा तो पापा, तो ये दीज आर द फर्स्ट वर्ड यूजर्स। कंबाइनर्स, जो कि दो शब्दों को यूज कर ले, दो शब्दों को यूज कर ले, यानी कि लानी मेरा ट्वाइस, पापा का सू, मम्मा रोटी या मम्मा कपड़ा, जो भी है, जो बच्चे के मीनिंग में है। 3 to 4 years में, ये आपको अप टू 3 years में मैंने बताया। 3 to 4 years में क्या होता है, 3 to 4 years में यही आप देखिए, जो अटेंशन है, जो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है समझने और बोलने में, बहुत बढ़ जाता है अप टू 3 years में, वो सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं, जबकि यहाँ पे बोलने में वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्यों और कैसे, कहाँ और कौन, ये सारे आ जाते हैं, और उनका जो क्लियरिटी है दूसरे लोगों के साथ, नॉट ओनली घर वालों के साथ, पड़ोस वालों के या जो मिलने आ रहे हैं उनसे जो बात करने का तरीका है वो बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। एंड समझने में क्या है, वो समझने लगते हैं, कम से कम 2 कमांड तो समझ लेते हैं, लाइक वहां जाओ, दरवाजा खोलो, इस तरह से स्टोरी, छोटा स्टोरी समझ सकते हैं, तभी तो बोलता है कि वो 3 से 4 साल में बच्चे को स्कूल भेजो और वहां पे छोटे छोटे सिंगल सिंगल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का स्टोरी बच्चे को सुनाना शुरू कर देते हैं। 4 to 5 years थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा समझने में, वहां पे दो था, यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे है कि मान लीजिए आप उसको बोलेंगे कि राइमिंग बताओ, यानी 2 शब्दों को अलग अलग तो बता समझ सकता है, ठीक है, फिर अलग से बात करने में आए तो और बढ़ जाता है, क्वेश्चंस बढ़ जाता, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, ठीक है, स्टोरी बोलने लगता है छोटा छोटा, वो शब्दों को जानना शुरू कर देता है, मतलब जानना शुरू कर देता है, क्वेश्चंस और उठने लगते हैं, तो दीज आर द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तब आप देखेंगे कि यदि आपके बच्चों में ये सब नहीं है इस एज स्पेसिफिक, तो कहीं ना कहीं समझने और बोलने की दिक्कत है। मान लीजिए क्लास में आपने बोला बुक खोलो या बुक निकालो, किताब निकालो, बच्चा नहीं सुना, नहीं खोला, तो इसका मतलब या तो सुन नहीं रहा या समझ नहीं रहा, तो ये सारे चीजें हमें देखना, यदि समझ रहा है तो बोल नहीं पा रहा है, तो एज पर एज हो सकता है बच्चा थोड़ा पीछे हो, बट हमें उसको उस तरह से एग्जामिन करने हैं, तो असेसमेंट में हमें यही देखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एज लेवल पे, कि 3 से 4 साल में और 4 से 5 साल में क्या क्या समझ सकता है और क्या क्या बोल सकता है। 5 to 8 years सबसे कॉम्प्लेक्स,
बोलने में, अब बच्चा रूल्स यूज करने लगता है। 5 साल तक सब माफ होता है मालूम, बोलते हैं बच्चा छोटा है, अरे दादा को आओ भी बोल दिया, चलो हो गया, प्रणाम नमस्ते नहीं भी करा तो हो गया। बट हम 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो हम ये चाहते हैं, हम ये उनको एकदम 100% श्योर करते हैं कि अब तुम बड़े लोगों से बात करोगे तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग या प्रणाम जो भी है, सादर प्रणाम जरूर करोगे। सो दैट कम्स अंडर रूल्स, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा मान लीजिए छोटा बच्चा होता है तो अटकता है, रुकता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं अप टू 5-6 इयर्स तक, बट उसके बाद ये सारे फाइनटीन हो जाते हैं। यदि उसमें प्रॉब्लम है इट मीन्स है, यदि आवाज अच्छा से नहीं निकल रहा है तो हमें अब दिखाने की जरूरत है, ठीक है। बच्चा अपना पूरा नाम पता एड्रेस सब बताना शुरू कर देता है, बच्चा अपना स्टोरी बता देगा, मोरल ऑफ द स्टोरी बता देगा। सिमिलरली जो बच्चा बोल रहा है वो समझेगा भी, उसको अलग दूसरे को समझ में आ जाता है, डायरेक्शंस मालूम हो जाते हैं, प्रीपोजिशंस मालूम हो जाते हैं, एडजेक्टिव मालूम हो जाता है, उसको ये मालूम है कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो कि मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सारे उनको मालूम होता है। तो ये एज पर एज हमें समझना है, ठीक है। सो ये अप टू 8 ईयर्स, ये हमारा अभी तक टोटल कंप्लीट हुआ डेवलपमेंटल प्रोसेस समझने का और बोलने का। ये हमें चेक करना है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद यदि आपको लगे कि ये दिक्कत हो रहा है देन इट रिक्वायर्स रेफरल्स इमीडिएटली, तुरंत उसको रेफरल की जरूरत है। यदि पेरेंट्स या टीचर्स वहां पे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, देन वेरी नाइस, थम्स अप टू यू। बट यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज इमीडिएटली रेफर टू SLP नियरेस्ट सेंटर। यदि मान लीजिए आप अभी जो हम बात कर रहे हैं लखनऊ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं ये हो सके तो जो रिचेबल है यहाँ भेजिए, बट नियरेस्ट देखिए वहां पे कौन सेवा दे रहा है, ठीक है। आपको नहीं मालूम है हमसे कनेक्ट होइए, हमसे नंबर लीजिए, हमारा नंबर आपके पास है, पूरा सोशल मीडिया में हम लोग का नंबर है, आप बात तो कीजिए, बताइए तो कि ये प्रॉब्लम हम क्या करें। तो इस पेंडेमिक में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, नॉट ए इशू। पेंडेमिक में क्या ऐसे भी हमारे पास फोन आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं ठीक है नियरेस्ट में ये है, आप यहाँ नहीं आ सकते, वहां चेक करवाइए, करवाते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग के फाइन। कल का ही एक वाक्य है, एक सप्ताह से एक पेरेंट्स फोन कर रहे थे यहाँ से फैजाबाद से, सर 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का, उन्होंने 10 मैसेज भेजा, ये दिक्कत है। बोले ठीक है, तो बोले हमको एक डॉक्टर बोला ऑटिज्म है बच्चे का। हम कि यार देखो ऑटिज्म तो हम भी नहीं करेंगे, क्या है कि नहीं है वो तो साइकोलॉजिस्ट बताएगा आपको असेसमेंट करने के बाद। असेसमेंट के लिए वहीं पे फैजाबाद में उनको एक नंबर दिया जो वहां पे करते हैं, वो करके अभी कल शाम में बात हुई, 8 बजे उन्होंने फोन किया, 7 से 8 के बीच में। बोले सर हो गया असेसमेंट, जो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बच्चा ठीक है। बोले वेरी नाइस, देखिए अब आपका आधा स्ट्रेस खत्म। तो उनको लैंग्वेज स्टिमुलेशन की जरूरत थी, उनको हमने बताया, बोला जब तो आप आके हमसे मिल लीजिए। तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि आप मैंडेटरी मेरे पास आइए, नियरेस्ट में जो भी है उनके पास जाइए और बातों को बताइए। सो दीज आर द असेसमेंट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो हमने आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस बताए उसमें देखिए हमने लिखा AORN, ये आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं कि बच्चा ऑलवेज कर रहा है नहीं कर रहा है, कभी कभी कर रहा है कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, तो ये 4 मार्क, कभी करता है कभी नहीं करता है, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि बच्चा हमारा समझ कितना रहा है और बोल कितना रहा है। तभी उसका भाषा बोलने का और समझने का आप असेस कर सकते हैं, या तो आप खुद बोल सकते हैं जनरल टर्म में, अप टू 1 साल तक बच्चा शब्द बोलना शुरू कर सकता है, 1.5 साल तक जोड़ना शुरू कर देगा, 3 साल तक सिंपल सेंटेंस शुरू कर देगा, 4 से 5 साल तक डायरेक्शन 2 स्टेप फॉलो कर लेगा, 5 से 6 साल 3 स्टेप, 7 से 8 स्टोरी। तो ये सारे समझने का, बोलने का, क्वेश्चंस पे आया कि नहीं, तो आप खुद इस चीज को टिक करके आप देख सकते हैं जो टीचर कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चे को आपने बोला ओके ओपन द बुक टर्न द पेज नंबर 59, इट्स अ 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन, ही और सी शुड फॉलो, वो उसको करना है। आपने बोला किताब में पन्ना नंबर पृष्ठ संख्या 58 खोलो निकालो, तो उसको निकालना है। यदि वो नहीं समझा मतलब कुछ प्रॉब्लम है,
तो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। बोले ओके उठो दरवाजा बंद कर दो क्लासरूम में, या उठो चौक दो मेरे को, हेल्प करो मेरे को, मदद करो, तो आप यूं कर सकते हैं उसको। ये नहीं कि उसके लिए आपको आइटम्स रखना है नहीं रखना, घर में भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली यू नीड टू असेस कैसे। ओके कमिंग टू द समराइजिंग द थिंग्स कि हमने क्या क्या सीखा, तो इसमें एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ इस जो आपको बताया उसको यदि आप हमें भेजते हैं तो हम लोग भी उसी चीज को चेक करते हैं। वो इस तरह से है कुछ, एग्जाम्पल है जो हम लोग असेस करते हैं, आप देखेंगे आता है सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा, बच्चे का क्या से है क्या है, और पेरेंट्स अभिभावक का क्या दिक्कत है, उनका कंसर्न क्या है, ये बहुत जरूरी है असेसमेंट में, ठीक है। ये इसलिए मैं सोचा आपको लोगों को बताऊं क्योंकि मोस्ट क्या होता है ना, टीचर हो थेरेपिस्ट हो या पेरेंट्स हो, पेरेंट्स मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बोल देता है अरे आपका बच्चा तो ऑटिज्म है, आपके बच्चे को मान लीजिए कुछ नहीं कर सकता, 10 साल हो गया 15 साल हो, बट उनको बोलने का मौका तो दीजिए। और टेक्निकल वर्ड में जब अभिभावक हो तो अभिभावक कृपया टेक्निकल वर्ड यूज ना करें, क्योंकि देखिए आप एज ए अभिभावक एज ए मम्मी पापा आपको बताना है कि बच्चे को दिक्कत क्या है एग्जैक्टली। आप ये नहीं बोलेंगे अरे बच्चे को ऑटिज्म है सर, अरे वो तो डायग्नोसिस बताएगा ना, यदि आपके पास डायग्नोसिस है तो ठीक है, बट आपको जैसे एग्जाम्पल होना है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा, एग्जाम्पल यदि बोल नहीं पा रहा तो कितना नहीं बोल पा रहा, चल नहीं पा रहा एग्जाम्पल, या खाना खा नहीं रहा या पी नहीं रहा, तो ये सारे कंसर्न्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का जब हम लोग गोल बनाते हैं ना तो उसको इनकॉर्पोरेट करने में, नहीं तो ये मिस हुआ तो बच्चे में हम असेसमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वन वे होगा, हमारा होगा, हम जो देखेंगे वो लिखेंगे, और अभिभावक हैं टीचर्स हैं हमने उनसे पूछा ही नहीं ना, तो ये गलत है। जब भी हम असेसमेंट करते हैं आकलन करते हैं खास करके हमारे फील्ड में इसमें, तो टीचर्स आर इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट, एज वेल एज डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ये टीम है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। तो पेरेंट कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल हिस्ट्री आप छुपाए नहीं कुछ, सब कुछ बता दें कि ये दिक्कतें थी, मान लीजिए बच्चे को झटके आ रहे हैं आपने बताया नहीं सेशन में झटके आ गए और उसको मेडिकल नीड की जरूरत पड़ गई, और रिहैबिलिटेशन सेटअप में एग्जाम्पल वो सिस्टम है नहीं पूरा, तो आपके साथ और बच्चे को डेंजर में खतरे में डालना, तो ये बताएं जरूर बताएं कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, मेडिकल हिस्ट्री है, ये एलर्जी है, ये खाने में एलर्जी है, ये डाइट से एलर्जी है, ताकि थेरेप्यूटिक में वो सारे चीजें दूर हो। अभी आपने कहीं थेरेपी दिलवाया है वो भी बताएं, तो वो जो आप नए थेरेपिस्ट या पुराने थेरेपिस्ट उससे बात कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। एजुकेशनल हिस्ट्री, बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बच्चा देख पा रहा है सुन पा रहा है, अभी नहीं सुन पा रहा है तो दिक्कत क्या है, उसका रिपोर्ट नहीं है तो हियरिंग टेस्ट या विजन टेस्ट या जो भी है वो करवाना है, ठीक है। देन जैसे कि आपको हमने बताया था अभी कि डेवलपमेंट, जैसे पहले साउंड कब निकलता है, बच्चा बबलाता कब है, फिर उसका, तो ये सारे हम पूछते हैं, जैसे विजुअल ट्रैकिंग, जो प्री वर्बल स्किल्स आपको बताया गया, आई टू आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन, विजुअल ट्रैकिंग, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जानना है ना कि वो इंटेंट है ही नहीं तो आप आगे क्या करोगे, ठीक है। सिमिलरली बच्चे को पसंद क्या है नापसंद क्या है, ताकि हम उसको आगे जब हम असेसमेंट करके लें, थेरेपी के लिए तैयार हो या इंटरवेंशन के लिए तैयार हो, तो जो लाइक्स आइटम है वो एज ए रिइंफोर्सर यूज कर सके, एज ए आइटम यूज कर सके। ओके रिसेप्टिव, जैसा कि अभी आपको बताया हर एक एज वाइज स्टेप से आप देखेंगे पेरेंट्स आइडेंटिफाई पहचान करता है कि नहीं बॉडी पार्ट्स को, कॉमन ऑब्जेक्ट्स को, अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अल्फाबेट्स, सिंगल वर्ड्स, फ्रेजेज, नंबर्स, एक स्टेप इंस्ट्रक्शन, देखिए दो स्टेप कॉम्प्लेक्स, Yes, no, and WH question. जो भी हमने बताया ये सारे हैं। Then next expressive. Similarly, naming से लेके question तक।
फिर कम्युनिकेशन जो आपको बताया था किस तरह से करता है, बात करके करता है कि बिना बात करके करता है, समझता कितना है, बोलता कितना है। सो दीज आर अगेन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे बात करने वाला कौन है? न्यूक्लियर फैमिली एग्जाम्पल, आज के डेट में सब लोग चाहते हैं हम अकेले रहें, अकेले रहें, बस जितना कमाते हैं उसमें खुश रहें, हम ही तरक्की करें सर, ये आज का मोटो है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि सबको लेके चलने वाला है, बट आज के डेट में जो हमारा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है खास करके, उसमें हम चाहेंगे कि फैमिली मेंबर से जुड़ के रहें, तो दैट इज बेटर। सो कम्युनिकेशन पार्टनर इज इम्पोर्टेंट, उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, फैमिली मेंबर, टीचर, डॉक्टर्स, नर्सेस, पेरेंट्स। इंटेंट है कि नहीं है जो बताया, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है बच्चा, फिर नरेशन एंड कन्वर्सेशन, समझता है नहीं समझता, आर्टिकुलेशन, तुतलाना, आवाज, जो वॉइस के बारे में बताया, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, तीव्रता, तेज, और उसका कैसा है, और नाक से आवाज आता है नहीं आता है, तो दीज आर द अगेन फ्लुएंसी, स्टटरिंग, हकलाना, तुतलाना, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट, अगेन ब्रीदिंग जैसा बताया, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आवाज निकालने के लिए, ठीक है, इसको चेक करना जरूरी है। खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर ओपीएम जो आपको मैं बता रहा था कि मुंह के अंदर के भाग को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन, बनावट और उसका काम करने का तरीका। फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड देन हम इसको कोई स्टैंडर्ड टेस्ट अभी किए, एग्जाम्पल अभी आपको बोल रहा था कि वॉइस एनालिसिस किए, या फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट किए, या LP लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट किए, जब हमारे पास आता है तो वी नीड टू राइट इट दैट ऑल्सो, ये हमारा हम लोग के लिए है, एंड देन फाइनली इट इज डन। सो ये मैं आपको इसलिए दिखाया, ये नहीं कि समझ में आए कि जो मैं बोला उसके पीछे रीजन था, जो पावर पॉइंट था दैट इज साइंटिफिक रीजन, जो हम लोग असेसमेंट फॉर्म तैयार करते हैं वो उसी से लिया होता है, उसी के हिसाब से पावर पॉइंट से, मतलब जो हमारे थ्योरी में होता है उसी को हम प्रैक्टिकल में उतारते हैं। इसी के साथ सर, 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 रिसेप्टिव लैंग्वेज का एक और बार पार्ट दिखाएंगे क्या आप? रिसेप्टिव लैंग्वेज वाला असेसमेंट के फॉर्म में ही, रिसेप्टिव लैंग्वेज वाला ये लीजिए। मैडम इसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब मैं आपको जनरल, आप इस पे ना जाएं, आप यहाँ पे देखेंगे यस नो एंड एग्जांपल्स लिखा है, ये एक फॉर्मेट है, ये एक रेफरल है मैडम, इट्स ओनली रेफरल, देर आर मेनी मोर थिंग्स इन दिस, ये एक सिंपल है पेरेंट्स को समझाने के लिए और उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मान लीजिए ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है, हम इसको बिना देखे भी भर लेते हैं, ये उनके लिए होता है जो पहली बार जैसे मान लो कि कोई सीख रहा है तो उसके लिए, ताकि कुछ भूले नहीं। तो आप इतना मान लो कि वो आपके घर में इंक्लूडिंग आपसे लेके सारे सामान को तक उसका उपयोग करना, उसका यूज करना, बच्चा समझता है, जानता है, नहीं जानता है, एक ओवरऑल में ये ध्यान रखना है। सिमिलरली एक आप घर के वातावरण में आपका ये बच्चे का उम्र के हिसाब से जैसा हमने बताया उस हिसाब से वो नाम लेता है नहीं लेता है, वाक्यों में जोड़ता है नहीं जोड़ता है, तो ये एक कॉमन है सब लोगों के लिए, ये एक रेफरल है जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया था। नागेश जी एनी क्वेश्चन? आदि कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमें, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 1:15 हुआ है, 15 मिनट और दूंगा। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, सॉरी सर, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, मेरा एक प्रश्न ये है सर जी, कि जो राइट ईयर है और जो लेफ्ट ईयर है और दोनों की जो सुनने की क्षमता है उसमें कोई फर्क रहता है सर? ओके, मैंने सर ये देखिए टॉपिक हियरिंग आज लिया नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चंस को मैं दे दूं, जरूर रहता है। बायलेटरल समेशन जो हम लोग बोलते हैं, बायलेटरल समेशन, ठीक है, एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बायलेटरल। आदि आपको एक मिनट देंगे। अच्छा आप देख, शायद देखिए एक मिनट, मेरे पास वो पिक्चर है नहीं, गूगल में है, एक मिनट। ये जो क्या होता है ना, मान लीजिए हम दोनों कानों से सुन रहे हैं, तो वो एक बार में जब दोनों कानों से आवाज आता है तो सेंट्रल कोर्ट से वो बायलेटरली दोनों एक तरफ से ही जाता है,
तो ब्रेन पे जो कॉर्टिकल लेवल पे है वो एक साथ हमें वो एक्टिवेट होता है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। यदि मान लीजिए हमारे एक कान में कम सुनाई देता है और दूसरे कान में ज्यादा सुनाई देता है, तो हम एक ही तरफ से ज्यादा वो हो जाते हैं और उसमें हमारा पोस्चर्स भी खराब होता है। तो बायलेटरल समेशन, बायलेटरल हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, थैंक यू। सर प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न सर हमारे चैट बॉक्स में आया है, मैं चाहूंगा श्री विकास मिश्र सर प्रश्नोत्तरी सेशन को आगे बढ़ाएं। श्री विकास मिश्र सर, एक प्रश्न आया है कि क्लेफ्ट पैलेट में स्पीच कितना इम्प्रूव हो सकता है? ओके, देखिए बच्चे का तो सबसे पहले एज फैक्टर, यदि बच्चा छोटा है मान लीजिए अप टू 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर्स है और बच्चे का आपने सर्जरी करवा लिया है, क्लेफ्ट क्लिप हो या पैलेट हो, जो भी क्लेफ्ट हो या सबम्यूकल क्लेप्स हो या शॉर्ट पैलेट में हो, हार्ट पैलेट में हो या लिप्स के साथ पूरा नाक तक छेद हो, यदि आपने सबसे पहले सर्जरी करवा लिए हैं तो देर आर हाईली चांसेस टू अच्छा है कि बच्चा इम्प्रूव कर लेगा। यदि आपने सर्जरी नहीं करवाया है तो दिक्कतें होगी, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट यदि सर्जरी हो गया है देन देर आर चांसेज ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट उसके लिए आपको वॉइस थेरेपी, स्पीच थेरेपी के पास लेके आना होगा और उसको थेरेपी करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीच के लिए मिरर का क्या यूज है? ओके, मिरर, देखिए मिरर मोस्टली यूज कब होता है, जब आपके पास स्पेसिफिक आप उसको बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसका टंग मूवमेंट, एग्जाम्पल वो देखने के लिए, विजुअल फीडबैक के लिए यूज करते हैं मोस्टली मिरर्स। तो विजुअल फीडबैक आज के डेट में मिरर्स आउटडेटेड हो गए हैं, बट स्टिल जो ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट है वो मान लीजिए स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो उस समय मिरर का यूज होता है बच्चे को इमिटेट करवाने के लिए कि देखो उसमें देखो टंग कैसे मूव हो रहा है, बच्चे को अपना फीडबैक मिलता है उससे, इसलिए मिरर यूज करते हैं। अन्यथा वो सामने से भी आप दिखा सकते हैं, अपने चेहरे से अपने आर्टिकुलेटर्स को दिखा सकते हैं, बट वो फीडबैक मिले, उसको विजुअल फीडबैक मिले, इसलिए हम लोग मिरर यूज करते हैं। सर एक एक क्लाइंट है हमारे, वो एक मुझे लगता है कि मिथ होगा, ये पूछ रहे हैं कि किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए मिर्ची खिलाने को बोला जाता है, इट इज ट्रू? मैं बोलूंगा ये मिथ है। बहुत सारे मेरे यहाँ भी मैं देखा हूँ, सीआरसी लखनऊ में मैं देखा हूँ, खास करके ऐसे 3-4 बच्चे आए, 3-4 बच्चे मतलब अर्ली एडल्टहुड में टीनेजर हैं, उन्होंने बोला कि हमें घर में मिर्ची खिलाया गया फिर भी ठीक नहीं हुआ, चाचा को मिर्ची खिलाया गया चाचा ठीक हो गए। तो देखिए इसमें मैं बोलूंगा ये मिथ है, इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, अपना अपना भाव है, बट इससे कुछ नहीं होता है, मेरे को टाइम बीइंग आप ठीक हो जाए, बट जो प्रॉब्लम है फ्लुएंसी की, जो सही से नहीं आ रहा है बहाव, उसको जब तक हम उसको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा मिर्ची विर्ची खिलाने से नहीं कुछ होता है, अभी तक ऐसा कुछ तो रिसर्च में आया नहीं। सर एक प्रश्न हमारे बीच में और है, इन्होंने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु 38 है और वो छोटे शब्द मम्मी पापा बोल लेते हैं तो थेरेपी के माध्यम से वो ठीक हो सकता है? 38 इयर्स के हैं यदि शारदा कुशवाहा, यदि 38 इयर्स के हैं तो डिपेंड करता है वो उनके उनको कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं है, पहली चीज। तो अब सोचिए 38 इयर्स में उनको मम्मी पापा बोल लेते हैं तो उनको, अभी आप 38 इयर्स में आप उनका सोशल लाइफ देखेंगे यदि एग्जांपल, तो 38 इयर्स में क्या उनको शब्द सिखाना उचित होगा? ये मेरा है उनके लिए जो उनको सिखाना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम सिखा, उनका सोशल स्किल जो है, उनका जो सोशल लाइफ है उसके हिसाब से यदि आप बोलेंगे कि उनको कम्युनिकेशन प्लान दिया जाए, उनको क्या जरूरत है 38 इयर्स में, वो क्या कर रहे हैं अभी, मान लीजिए कुछ वोकेशन कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए आप उनको यदि तैयार करवाएं देन इट इज वेरी नाइस, अदरवाइज देर इज ए वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि उनको उनका सोशल स्किल्स, उनका जो सोशल लाइफ है वो इम्पैक्ट आ जाएगा, अभी उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमें देखना होगा कि व्हाटएवर
ही वांट टू डू, और वो जो करना चाहते हैं जो कर रहे हैं उसमें हम कैसे उनको कम्युनिकेशन दें। सर एक प्रश्न और है सुशीला यादव जी की तरफ से जी। इफ इट्स क्लियर दैट चाइल्ड इज हैविंग इश्यूज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन व्हाइल स्पीकिंग, व्हाट शुड बी मैनेजमेंट प्लान। अच्छा देखिए, मैनेजमेंट प्लान अगेन डिपेंड करता है हर एक बच्चे को अलग अलग लेके। बच्चे का अगेन मान लीजिए कोई बच्चा स्पास्टिक है, सीपी है या स्टिफनेस है, उसमें हम डायरेक्टली डायफ्राम को नहीं स्टिमुलेट कर सकते, तो देखना पड़ता है उसमें बच्चे को। बट मोस्टली मान लीजिए जीडीडी बच्चा एग्जांपल ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है और उसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम इमिडिएटली डायफ्राम स्टिमुलेट करके उसको ब्रीदिंग वो स्टिमुलेट करा सकते हैं। बट अगेन वो जब तक हम बच्चे को देखेंगे नहीं, वो उसका खास करके जो हम लोग स्टिमुलस देते हैं वो डायरेक्ट ऐसे जनरली बोलना ठीक नहीं होगा। बट देर आर चांसेस टू स्टिमुलेट द डायफ्राम एंड देर आर डिफरेंट टेक्निक है, फोनेशन है, बहुत कुछ है जिससे कि हम रेस्पिरेशन बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा है तो आप बच्चे को आप कभी जब हो तो एक बार ला के हमसे मिलवा दीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट सर, तो मेरा ही क्वेश्चन था एक्चुअली। बच्चा 12 साल का है, वो नॉर्मल है, उसका इंटेलिजेंस भी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल लेटर्स ही हैं लाइक य, र, व, यही उसके क्लियर नहीं है। और बोलते समय आई फील कि वो घबरा जाता है, उसको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती है उसकी। अच्छा करेक्ट, नहीं नहीं आपने ये बिल्कुल सही बोला, वो तभी तो मैं बोल रहा हूँ उससे फ्लुएंसी की इशू हो सकती है बच्चे को। देर आर हाईली चांसेस जब 6 साल का बच्चा 7 साल का हो गया और रला ये सारे ना लास्ट में आते हैं अप टू 7 इयर्स तक आते हैं, बट सर्टन स्टडी बोलता है कि नो नीड टू वेट फॉर 7 to 8 इयर्स ऑल्सो, अर्ली स्टेज में हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यस, आप कहाँ पे रहते हैं मैडम? सर हम वाराणसी से हैं, बनारस से। अच्छा तो आप नियरेस्ट सेंटर देखिए, इसमें क्या होगा ना उनको सामने देखे टेक्निक सिखाने होते हैं, वो सामने अभी वो डेमोन्स्ट्रेशन पे नहीं है, ठीक है? तो उसमें मैं आपको ये बोलूंगा देयर आर मेनी टेक्निक्स अगेन वो बच्चे को देखने के बाद, क्योंकि एक टेक्निक सब पे फिट नहीं बैठेगा, ठीक है मैडम? तो नियरेस्ट में जो भी हो एक बार मिल ले, नहीं तो आप यहाँ कभी आते हैं तो हमसे मिल ले। बट देयर आर चांसेस ऑफ। जी सर एक प्रश्न और है, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट इन अर्ली इंटरवेंशन? ओके देखिए, ये जो क्वेश्चन है रोल ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट इन अर्ली इंटरवेंशन डिपेंड्स अगेन कि अभी तो देखिए जन्म के साथ भी कॉक्लियर इम्प्लांट शुरू हो चुका है, एंड नॉट ओनली यूनिलैटरल इट इज बायलैटरल। अब बच्चे को डिपेंड करता है, बच्चे को जब सुनने की दिक्कत थी और कॉक्लियर इम्प्लांट उसका हो गया टी और सी को, तो जो लिसनिंग है उसका जो अवेयरनेस ऑफ साउंड है वो बढ़ गया immediately after cochlear implant। okay cochlear implantation is not important now here, wo ho gaya, but uske liye kya ye unhone follow up session early intervention therapeutic auditory verbal therapy ke liye introduce karwaya, so that is important here। unhone kya auditory training auditory verbal skills develop karne ke liye approach kiya, bacche ko wo stimulation diya, adi nahi diya to aap early intervention karo, kuch bhi karo, there is no important। But of course, yes, immediately after switch on of cochlear implant, mapping done ho gaya hai, uska pehla mapping, and then immediately we need to go for the auditory verbal therapy. Of course, in early intervention, bahut achha hoga, not only ki sunne ka, but there are, usko pura as a whole package milega, bachcha apna social develop bhi karega, communication bhi karega, or different fine motor, gross, whatever it is. वो एक साथ वो सबको बढ़ेगा उसमें बच्चे में, सो इट इज वेरी गुड, बट वो शुरू करना चाहिए उनको। एंड ऑफ कोर्स यस कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया है, देन इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि समय की अपनी एक गरिमा है और टाइम काफी ओवर हो चुका है, और मुझे लगता है कि अगर किसी के प्रश्न है तो वो हमारे सीआरसी के नंबर पर कॉल करके हमसे उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। तो हम अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कांटेक्ट करके हमसे हमारे नंबर पर डिस्कस कर सकता है। मुझे लगता है कि इस सेशन को यही ओवर करना अच्छा होगा। नागेश सर प्लीज।
थैंक यू सर। सुमित जी और हमारे जितने भी प्रतिभागी गण हैं, जो भी उनके भाव हैं, सियासी लखनऊ के सभी डिपार्टमेंट के नंबर सोशल मीडिया पे शेयर किए गए हैं, और आप लोगों से आशा है कि आप सभी उन नंबरों में जा करके डिपार्टमेंटल वाइज आप अपनी समस्या और अपने भाव हमारे बीच आप रख सकते हैं। कार्यक्रम एक घंटे का था और लगभग पिछले कई कार्यक्रमों से हम लोग एक घंटे से ज्यादा के कार्यक्रम में बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा उसको ध्यान दे करके मैं कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन की तरफ ले चलता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री विकास मिश्र जी को कि सभी अतिथियों का और हमारे सभी प्रतिभागियों का आज धन्यवाद ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। श्री विकास मिश्र जी। थैंक यू नागेश सर। हेलो थैंक यू नागेश सर। ये नंबर हमने अभी अपने चैट बॉक्स में डाल दिया है सीआरसी लखनऊ का, तो जिस किसी को भी हमारा नंबर चाहिए। में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री विकास पांडे सर का, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं समग्र शिक्षा अभियान कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के। आज हम लोगों ने समग्र शिक्षा अभियान कौशाम्बी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विकास पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ इस कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम लगातार इस तरीके के वेब संगोष्ठी लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हो पा रहे हैं। बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए हैं इस बीच में, और आप सभी का सहयोग इसके साथ रहता है। मैं इस हेतु आदरणीय रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद के इस क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय राजीव रंजन सर का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ से हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने सर जो विषय लिया उस विषय पर विस्तारित रूप से अपनी बात रखी, और मुझे लगता है कि हम सब लोग आपके इस वक्तव्य से, आपकी इस विशेषज्ञता से बहुत कुछ हासिल कर पाए होंगे, और अवश्य ही हम इसको अपने जो भी हमारे फील्ड में हमें इस तरीके के अगर दिव्यांगजन मिलते हैं तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उनका मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनका आकलन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से आज के विषय को रखा। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सह समन्वयक आदरणीय नागेश पांडे सर, सविता शुक्ला मैडम, पंकज आर्या मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और धन्यवाद करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में जुड़े हमारे तमाम स्पेशल एजुकेटर और समग्र शिक्षा अभियान से ताल्लुक रखने वाले एजुकेटर्स का, जो कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और निश्चित ही आज विषय की जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से हम लोगों ने प्राप्त की होगी। आप सभी का हमारे साथ इस पटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी आईटी टीम के सुमित गिरी सर का, और साथ साथ हमारे सीआरसी लखनऊ के तमाम ऑफिशियल्स का, जो कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके, हमारे साथ कोऑपरेशन करके हमारे किसी भी प्रोग्राम को प्रचारित और प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम मुझे लगता है कि यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम दूसरे कार्यक्रमों में दूसरे विषय के साथ आपके मध्य जरूर उपस्थित होंगे, और आज मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी व्यक्ति के कोई भी प्रश्न रह गए हो तो वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पे फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हम लोग लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके मध्य उपस्थित रहते हैं। आदरणीय नीलम दमीजा मैडम कुछ कहना चाहती हैं। मैं सर मैडम को प्रणाम करते हुए
पूछना चाहूंगा कि मैडम अगर कुछ कहना चाहती है तो प्लीज अपनी बात रखें। मैं नमस्ते जी सबको, आपको प्रणाम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे अच्छे वेबिनार्स करते हो, मन खुश हो जाता है। कल लखनऊ का दूसरा भी था, लखनऊ से, तो मैं यही कह रही थी लखनऊ वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से अच्छे स्पीकर्स लेकर आते हैं वेबिनार के जो होते हैं स्पीकर्स, बहुत ही अच्छे आप लेकर आते हैं। रिसोर्स पर्सन इतने अच्छे हों तो आनंद आ जाता है सुनने में, और आप सेवा कार्य भी समाज का बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने का, शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपके आशीर्वचन हमें प्रेरित करते हैं इस तरीके के वेबिनार को आयोजित करने में। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नागेश सर से कहूंगा कि कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए उसे समापन की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीआरसी लखनऊ के रचनात्मक गतिविधियां आपके समक्ष निरंतर आ रही हैं और आती जाएंगी, जैसा आपसे सभी से सहयोगित रहा है। और आप देखते हैं हमारे जितने श्रोतागण होते हैं, हमारे जो ऐसे प्रतिभागीगण हैं जिनको किसी विषय बिंदु पर अथवा किसी प्रशिक्षणात्मक बिंदु पर कोई विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, तो सीआरसी लखनऊ खुला मंच करता है। आप उस विषय बिंदु को हमारे दिए गए संपर्क नंबर पर लिखवा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट के जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें आप फोन करके संबंधित डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि फला बिंदु पर या फला समस्या पर हमें एक्सपर्टीज प्राप्त कराएं। हम अवश्य ही आपके बीच वैसी विशेषज्ञता लेके आएंगे, हमारा गौरव है। आदरणीय श्री रमाशंकर सिंह सर, FO, पूर्व फाइनेंस ऑफिसर बाबा भीमराव अम्बेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ हमारे बीच आज जुड़े रहे। सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सर के आशीर्वचन हेत आकांक्षित हूं। मैं सभी से निवेदन करूंगा यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी लोग धन्यवाद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, हमने बहुत नई चीजें जानी है। इस तरह के वेबिनार आप करते रहिए और हम